आपने हमारी तरफ से एप्लीकेशन दी है उनको एक, तो उन्होंने एक्सेप्ट किए जिसका प्रूफ हमारे पास है। अगर 15 तारीख तक, उससे पहले काम तो शुरू होगा ही, सारे स्टेप दिए जाएंगे, लेकिन 15 तारीख को जो मंत्रालय में इन्होंने प्रॉमिस किया था मीटिंग का, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आंदोलन वापस शुरू होगा। इसलिए दिवाली अच्छे से मना लो अपनी फैमिली के साथ, 15 तारीख से आंदोलन वापस करके उससे ज्यादा जोरों शोरों में करेंगे, लेकिन हक लेके रहेंगे। सही है भाई, सही है। ये लेटर है भाई जो उन्होंने भट्टी भाई ने अपने मार्गदर्शन में लिख के दिया और ये एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद इसको रिफ्यूज किया, इसके आगे के हम लोग प्रोसेस करने वाले। आप लोग इत्मीनान रखें और जो चीज आएगी आपको अपडेट, आपस में गलत कोई भी अफवाह ना करें, हम लोग काम अपनी ओर से कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। दोस्तों ये उस दिन जो मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और बहुत सारे लोगों ने कुछ उस पर मुद्दे उठाए थे कि 15 दिन के लिए स्थगित क्यों किया, इसके लिए आज हम लोग जो उन्होंने प्लान बताया था हमें, जो 12, 15, 19 रुपए किलोमीटर देंगे, उसके अलावा इंसेंटिव प्लान भी देंगे जो आज हमें नहीं मिला, इसके लिए हम लोग ओला ऑफिस आए थे, जितने भी लीडर्स है, स्टेशन वाइज लीडर्स है, सब लोग आए थे। और आज हमारे साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिसर अंधेरी के जो है पवार साहब और कुलकर्णी साहब, ये भी थे हमारे साथ में, पर उनके व्याप में भी उन्होंने कुछ कमिटमेंट ऐसी की है जो हमें गलत लग रही थी, और उनको हम लोगों ने ये भी बोला कि अभी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हैं, और इधर आने के बाद वो सब बोले कि नहीं हम लोग ने तो बोला ही नहीं था, ये हम लोग ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो ये सब चालू है। और मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि इसके बाद हम लोग ने 15 दिन का टाइम दिया था, फिर भी हम लोग मंत्रालय में भी जाके ये पूछेंगे कि इन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट को ये एक हलवा समझ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये इजीली ले रहे। तो जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर लोग या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब मैसेज डाल रहा है कि यूनियन बिकी हुई है, ये हुई है। देखो यूनियन कोई भी बिकी नहीं है, ध्यान में रखना, आज हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए काम करेंगे, और आपका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे लड़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद।